Hello people, Assalamu alaikum. Today's video is totally different from what I do, what I film. Aapko naam se pata chal gaya hoga, my very first vlog. So please be nice. Mujhe vlog karna nahi aata, maine isse pehle kabhi vlog nahi banaya. So it's a mini vlog actually. Ye maine ek store pe, makeup store pe banaya hai. So guzara karna hai. I tried my best ke acha banao, but I'm sure it won't be perfect. So ये एक इस्लामाबाद में न्यू मेकअप स्टोर ओपन हुआ है vegas.pk के नाम से. स्टोर के साथ साथ ये लोग ऑनलाइन भी डील करते हैं, सो पूरे पाकिस्तान में इनकी शिपमेंट होती है. तो डोंट वरी कि आप इस्लामाबाद में नहीं रहते तो आप परचेज नहीं कर सकते, यू कैन. सो ये सारे ब्रांड्स हैं इनके पास, रेवलॉन, लॉरियल, नार्स, कलर पॉप, एले गर्ल, बी एच कॉस्मेटिक्स, नेक्स, मिलानी. इसके अलावा इनके पास मोर्फी एंड बेका एंड कुछ और ब्रांड्स भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि इन ब्रांड्स की कंप्लीट रेंज इनके पास नहीं है, यानी कुछ प्रोडक्ट्स हैं. वेट एंड वाइल्ड की काफ़ी सारी कलेक्शन है इनके पास. इसमें जो है वो फोटो फोकस जो फाउंडेशन है, इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं इनके पास. प्राइमर भी है, आई शेडोज, हाईलाइटर, ब्रॉन्जर, ब्लश, सब कुछ है. वन थिंग आई रियली लाइक कि इनके पास हर प्रोडक्ट का टेस्टर था, एंड दैट इज रियली हेल्पफुल. इस लोरियल और ये इनका फाउंडेशन है जिसकी प्राइस है 1850 रुपीस. यूजुअली इस प्राइस में नहीं मिलता, बल्कि इससे ज्यादा में मिलता है. नाउ हियर कम्स द टार्ट कॉस्मेटिक्स, और ये इनका लिप सेट है जो कि ये 3700 रुपीस में है, और इसमें ड्राई एंड ग्लॉसी दोनों किस्म के लिक्विड लिपस्टिक्स हैं. इसके अलावा इनके पास आई शेडो पैलेट्स हैं और ये सब. फिर जी एनआरस है जिसमें इनके पास इसका फाउंडेशन, पाउडर, कंसीलर, आईलैशेस और कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स हैं. देन ये नेक्स है जिसमें ये ब्लश स्टिक मैंने लेनी थी और मैं भूल गई और फिर मैंने नहीं ली, जिसका मुझे बहुत अफसोस है. ये जो लिक्विड लिपस्टिक्स का पूरा सेट है ये 12,000 रुपीज में है. कुछ चीजें उन्होंने रैंडमली रखी हुई हैं जिसमें मिक्स चीजें हैं, जैसे ये स्टेला है, मोर्फी है, जैकलिन हिल पैलेट जिसकी प्राइस थी 6800 रुपीज. यस, देन हेयर कम सिटी कलर ब्रांड, और इसमें ये पैलेट था, इसको मैंने स्वॉच करके भी देखा, अच्छा लग रहा था. ये है जो इसकी प्राइस है 2750 रुपीज. नाउ दिस इज एले गर्ल ब्रांड, और गाइज इसकी काफी सारी कलेक्शन है इनके पास, और कंसीलर्स का तो मतलब हर शेड है इनके पास. यानी ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये कंसीलर जो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, और मैं भी बहुत यूज करती हूँ. कुछ वेबसाइट्स पे ये 700, कुछ पे ये 800 का मिल रहा है, जबकि इनके पास ये 650 रुपीज का है. सो दैट इज क्वाइट रिजनेबल. और फिर ये कुछ आई शेडोज हैं, कॉन्ट्रोर पैलेट्स भी हैं. फिर मैंने अपने लिए ये लेना था कंसीलर, सो आई वॉज चेकिंग द शेड्स. नाउ हियर कम्स द मिलानी, और मिलानी के फाउंडेशन की बहुत डिमांड है. इसके ब्लशेस भी थे, हाइलाइटर भी थे, कुछ और चीजें भी थी. इस फाउंडेशन की प्राइस जो है वो 1400 रुपीज है.
guys, these Milani liquid lipsticks shades are to die for. Believe me, मैं एक एक को चेक कर रही थी और मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊं. बेस्ट शेड्स लगे मुझे तो. अभी मेरे बजट में नहीं था, अदरवाइज मुझे ये लेने थे. लुक एट दीज कलर्स गाइज, सो प्रेटी. सो गर्ल्स, पाकिस्तान में इंटरनेशनल ब्रांड के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है. ये अच्छी बात है इनकी कि इनके स्टोर में जो है वो हाई एंड और ड्रग स्टोर ब्रांड्स दोनों हैं, अवेलेबल हैं. सो ऑल दो के पूरी कलेक्शन नहीं है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं भी और आहिस्ता आहिस्ता आएंगी भी, चूँकि ये अभी स्टोर न्यू है. सो अगर आपको शॉपिंग करनी है और आप इस्लामाबाद में नहीं रहते तो आप लोग ऑनलाइन इनकी वेबसाइट जो है वो ज़रूर देखें. ओके गाइज, आई एम बैक एंड ये मैंने शॉपिंग की वहाँ से और मैंने कोई ख़ास चीज़ें नहीं ली, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी जो बाकी जो न्यू कलेक्शन है वो ईद के बाद आएगी. सो आई थॉट कि मैं ईद के बाद जो है वो शॉपिंग करूँगी, अगर जब न्यू चीज़ें आ रही हैं तो उसमें से क्यों ना की जाए. सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. सो जैसे ही मैंने इस पैलेट को देखा, मैंने सोचा कि नहीं, ये मुझे लेनी ही है हर हाल में, क्योंकि आई लव द शेड्स गाइज. दिस इज़ फ्रॉम डी एच कॉस्मेटिक्स की है ये, और आप शेड्स देखें. इसमें मैं एक आई लुक इससे क्रिएट करूँगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि शेड्स कैसे हैं. इसमें कुछ शिमर्स हैं, कुछ मैट्स हैं. लव द कलर्स, टोटली इन लव विद दिस पैलेट. गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये एली गर्ल प्रो कंसीलर लिया और बिलीव मी, मुझसे इतना बड़ा ब्लेंडर हो गया. आई डोंट बिलीव दैट. आई डोंट नो व्हाट वाज आई थिंकिंग कि मैंने जब शेड लिया उस टाइम तो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन घर आके मैंने गौर किया और फिर शेड को मैंने स्वाच किया तो मुझे पता चला कि दिस इज नॉट माई शेड. या माई सिस्टर वॉज टेलिंग मी कि दिस इज़ नॉट योर शेड, बट पता नहीं मुझे लगा कि यही मेरा शेड है. एंड दिस इज़ आई थिंक मीडियम बेज. या सो फिर भी इंशाल्लाह कुछ इसके साथ करने की कोशिश करेंगे. आई विल वर्क विद दैट डेफिनेटली, आई हैव टू. एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई हैव बॉट दिस मिलानी फाउंडेशन. आई वॉज अबाउट टू से कंसीलर, या इट्स फाउंडेशन. और इसको तो मैंने लेना था क्योंकि इसके बारे में इसके काफ़ी रिव्यूज़ अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है. सो आई थॉट कि इसको लेना है और इसमें मुझे अपना शेड मिल गया और ये बेस्ट शेड मुझे मिला लाइट बेज. इसकी जो टोन्स हैं वो येलो टोन्स हैं और ये इट सेज के मीडियम टू फुल कवरेज एंड लाइट वेट ऑयल फ्री फार्मूला. तो ये जब मैंने इसका स्वाच किया तो ये वाकई जो है वो फुल कवरेज ही लग रहा था. सो ट्राई करेंगे इसको, होपफुली ये मेरे लिए अच्छा काम करे. अगेन गाइज, आई एम नॉट प्रो, ये मैंने अपनी तरफ से बस छोटी सी कोशिश की. मैंने चाहा कि थोड़ी डिफरेंट वीडियो होनी चाहिए इस बार और इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगी. आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे ब्लॉग्स होने चाहिए या नहीं. सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.